दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों ये वीडियो आपका टॉप 100 क्वेश्चन में से दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम 100 से लेकर 160 तक के प्रश्नों को हल करेंगे जो प्रश्न आपके जीव विज्ञान से संबंधित हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो दिया गया है 100 नंबर। निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो ये बच्चों है लाइसोसोम। बी आंसर आपका सही है, लाइसोसोम जो है इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके बाद है 101 नंबर प्रश्न, डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो डीएनए का प्रमुख कार्य होता है आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना। ठीक, ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 102 नंबर क्वेश्चन है, आरएनए पाया जाता है? तो आरएनए कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में। सी आंसर आपका सही है, कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है। 103 नंबर प्रश्न है, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकी का पिता जो है मेंडल को कहते हैं। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। 104 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है? कई बार प्रश्न आपको बताया गया, 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़ी होते हैं। 105 नंबर प्रश्न है, निम्न में से मनुष्यों में होने वाले आनुवांशिक रोग कौन कौन से हैं? वृद्धांता, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, ये तीनों हो जाएंगे, मतलब डी आंसर आपका सही है बच्चों। ठीक, 106 नंबर है, लड़का पैदा होगा जब? तो लड़का कब पैदा होगा? जब एक्स वाई गुणसूत्र होंगे तो। ठीक, जब निषेचन के दौरान एक्स वाई गुणसूत्र निषेचित आपस में होते हैं तब ये जो है लड़का बनने का ये इस प्रकार से फॉर्मेट होता है, अगर एक्स एक्स होंगे तो लड़की पैदा होगी। 107 नंबर क्वेश्चन है, हीमोफीलिया ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है? तो इसमें बच्चों रक्त का बहना बंद नहीं होता है। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, जीन्स का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो ये है बच्चों डॉक्टर हरगोविंद खुराना। सी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये थे चार्ल्स डार्विन। ठीक, इन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। 110 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो ये बच्चों क्या था, मटर के पौधे का, ए ऑप्शन आपका सही है। 111 नंबर, एक वर्णांध व्यक्ति में किस रंग की पहचान नहीं होती? तो ये लाल और हरे की पहचान नहीं होती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस संघ के जंतुओं को जीवद्रव्य के स्तर पर गठित किया गया है? तो इसका बच्चों सही आंसर है प्रोटोजोआ वर्ग। 113 नंबर है, एक कोष की जंतु अमीबा एवं युगलिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? इसमें भी आपका प्रोटोजोआ सही है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है, मेढक में श्वसन किस अंग के द्वारा होता है? तो त्वचा और कुलोमों और फेफड़ों सभी के द्वारा होता है, तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा। 115 नंबर है, निम्न में से वास्तविक मछली कौन सी है? तो ये हिप्पोकैम्पस जो है ये वास्तविक मछली है। 116 नंबर प्रश्न है कि मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो मेढक बच्चों ध्यान रखिएगा ये आपका एम्फीबिया वर्ग का है, बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 117 नंबर है, स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? मतलब जो स्तनधारी होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनमें जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठ का होता है, सी आंसर सही जवाब हो जाएगा। 118 नंबर प्रश्न कहता है कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो ये बच्चों होता है बकरी में, बी आंसर आपका सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं? तो मछलियाँ गिल्स द्वारा सांस लेती हैं अर्थात गलफड़े होते हैं। 120 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो ब्लू व्हेल, डी आंसर आपका सही है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड, सी ऑप्शन सही है। 122 है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग कौन सा होता है? एनिमल, ये दांत का भाग होता है, दांत का ऊपरी चमकीला भाग जो होता है वो एनिमल कहलाता है और सबसे कठोर भाग होता है। व्हेल में श्वसन किस अंग में होता है? तो ये फेफड़े में होता है, सी आंसर सही है। 124 से, आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो प्राइमेट्स, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। ऊतकों के अध्ययन संबंधी विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो यह हिस्टोलॉजी कहलाती है, सी ऑप्शन सही है। और कोशिका के समूह को कहा जाता है? तो कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं, यानी कोशिकाओं से ही क्या है ऊतक बने होते हैं, तो कोशिकाओं का एक विशेष समूह होता है जिसको ऊतक कहते हैं। पुनरुत्पादन की क्षमता किस प्रकार के ऊतकों में सर्वाधिक होती है? तो ये उपकला ऊतक होते हैं, इनमें पुनरुत्पादन की क्षमता सर्वाधिक होती है। 128 नंबर है, शरीर में सभी ऐच्छिक तथा अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ऊतक कौन सा है? तो ये तंत्रिका ऊतक होता है, सी ऑप्शन सही है।
रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त बच्चों संयोजी ऊतक होता है, बी आंसर सही है। 130 है, आरेखित पेशीय ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आमाशय में पाए जाते हैं, बी आंसर इसमें सही है बच्चों। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं? तो ये बच्चों आपके हैं संयोजी ऊतक के उदाहरण सभी हो जाएंगे, डी आंसर आपका सही हो जाएगा। 131 का, 131 का बच्चों डी आंसर सही है। 132 है, संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है? तो ये पेशी ऊतक जो होते हैं इनको संकुचनशील ऊतक के नाम से जानते हैं। चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतकों को कहते हैं? तो ये होते हैं बच्चों चेतना ऊतक, तंत्रिका ऊतक। हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कणिकाओं में, बी आंसर आपका सही है। निम्न में से किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथ होती है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। जन्म के समय 305 310 होती है, ध्यान रखिएगा। 137 नंबर है, भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलने का काम कौन करता है? तो ये होता है बच्चों टाइलिन करता है, ठीक है, बदलता है टाइलिन। 38 नंबर, भोजन का अवशोषण शरीर के किस अंग में होता है? छोटी आंत में, सी आंसर आपका सही है। 39 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, ठीक। 140 नंबर प्रश्न है, निम्न में से इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? ये डायबिटीज होता है, सी ऑप्शन सही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पोषक तत्व पदार्थ को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है? तो ये बच्चों कार्बोहाइड्रेट होता है जो त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, अर्थात मीठा आप खाओगे तुरंत आपको एनर्जी मिल जाती है। शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? तो गैसों का विनिमय जो होता है वो फेफड़े में होता है। ब्रक की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रान, बी आंसर सही है। नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है यूरिया, डी आंसर सही है। 45 से मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है मस्तिष्क में, बी आंसर सही है। आँख में किस भाग की के नष्ट हो जाने पर आँखों की रोशनी समाप्त हो जाती है? रेटिना, ठीक, रेटिना के समाप्त होने पर आँखों की रोशनी चली जाती है। लाल रक्त वर्णक का निर्माण कहाँ होता है? तो ये अस्थि मज्जा में होता है, ठीक, इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। 48 है, कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कशेरुक में रीढ़ की हड्डी में आपके 33 हड्डियां होती हैं, डी आंसर सही है। शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सी फीमर, मतलब सी आपका ऑप्शन सही है, फीमर, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 नंबर है, मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो ये ब्रक में जो है शुद्ध होता है। 151 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय का स्पंदन एक मिनट में कितनी बार होता है? तो 72 बार होता है, आप सभी को पता होगा। निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहते हैं? ओ होता है सर्वदाता, और सर्वग्राही 53 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, तो सर्वग्राही होता है ए बी। 54 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी की का रासायनिक नाम क्या है? तो ये होता है कैल्सीफेराल। विटामिन के रासायनिक नाम जरूर याद कर लेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इधर विटामिन है, इधर आपके रासायनिक नाम है। तो विटामिन ए रेटिनॉल सही है, विटामिन सी स्कॉर्बिक सही है, विटामिन बी थायमिन, विटामिन के टेकोफेराल नहीं होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो आयोडीन की कमी से गॉइटर जो है रोग होता है, घेंघा रोग जिसको कहते हैं। 57 है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका देखो विटामिन ए से रतौंधी, विटामिन बी से बेरीबेरी, और विटामिन सी से स्कर्वी, और विटामिन डी से जो है ये नपुंसकता नहीं होता है। विटामिन डी कमी से कौन सा रोग होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। 58 है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो बच्चों बी और सी, ये जल में घुलनशील है, बाकी आपके ए डी ई के ये सब क्या है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। 59 नंबर है, शरीर में ताप का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस, ए आंसर सही है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य बच्चों होता है ऑक्सीजन का वहन करना, ए ऑप्शन आपका सही है। हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक क्या होता है? तो ये बच्चों होता है लोहा, बी आंसर आपका सही है। 161 नंबर में आपका बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। 62 का देखो, किडनी का मुख्य कार्य क्या है? तो किडनी का बच्चों मुख्य कार्य होता है, ए ऑप्शन सही है, 62 का, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना। तो इस प्रकार से बच्चों ये आपके रहे 162 तक के प्रश्न हमने करवा दिए आप सभी को, और मुझे लगता है कि अब आप लोग जो है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी
पेपर का जो लेबल होगा उसको देखने के बाद पता चलेगा किस प्रकार से पेपर आता है। तो आप लोग जो है एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव सकारात्मक सोच के साथ पेपर देने जाइए, आपका 100% सही पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप लोग बेधड़क ये मान के चलिए आपने 100% दिया है, आपका 100% सही है, आप कर ले जाएंगे, कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं पर, अभी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जो है बेहिचक पेपर देने जाइए और सावधानी पूर्वक और अच्छे से पेपर हल करके आइए। बेस्ट ऑफ लक, आप सभी जो है अपने मुकाम तक पहुँचें, सक्सेस हों और इसी प्रकार से बुलंदियों को छूते रहें। यही शुभकामनाओं के साथ आज का इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।